नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डर्मीफाइव क्रीम के बारे में। डर्मीफाइव क्रीम से जुड़ी हुई सारी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में, जिससे आपको इस क्रीम को लगाने के बाद कोई परेशानी ना आए। मौसम के बदलते ही त्वचा में कई तरह के इन्फेक्शन और दांत खाज खुजली हो जाती है। इन समस्याओं का सही समय पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका इलाज सही समय पर नहीं किया गया तो ये समस्याएँ गंभीर बन सकती हैं। इन सभी समस्याओं को एक क्रीम से सही किया सकता है, वो है डर्मीफाइव क्रीम। डर्मीफाइव क्रीम क्या है? इस क्रीम को यूनिवर्सल ट्विन लैब्स द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इस क्रीम को कई दवाओं से मिलाकर बनाया गया है। ऐसे में यह क्रीम त्वचा में सूजन, खुजली और लालिमा के उपचार के साथ एक्जिमा, चकते, डर्मेटाइटिस के इलाज में भी उपयोग की जाती है। हालांकि इस क्रीम का उपयोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें, लेकिन कुछ स्थितियों में इस क्रीम का उपयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। जैसा कि हमने आपको बताया है कि डर्मीफाइव क्रीम एक मजबूत कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। यह क्रीम स्किन में खुजली, सूजन और लालिमा के उपचार में काफ़ी प्रभावी मानी जाती है। एक एंटी फंगल दवा होने के चलते त्वचा पर होने वाली एलर्जी के इलाज में बहुत फायदेमंद है। इस क्रीम का उपयोग एक्जिमा, एलर्जी, डर्मेटाइटिस, चकते और छाल रोग जैसे इन्फेक्शन में इलाज में इस क्रीम का उपयोग किया जाता है। इस क्रीम का उपयोग नाखून डिसऑर्डर, सोरायसिस में भी इस क्रीम का उपयोग किया सकता है। इस क्रीम के मुख्य उपयोग एलर्जी प्रतिक्रिया, त्वचा में लालिमा, त्वचा में खुजली, छाल रोग, एक्जिमा, त्वचा में सूजन, चकते, डर्मेटाइटिस, नाखून डिसऑर्डर, सोरायसिस, इन सभी समस्याओं में इस क्रीम का उपयोग किया सकता है। ये क्रीम आपको 54 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। डर्मीफाइव क्रीम किस तरह काम करती है? डर्मीफाइव क्रीम जो कि स्किन में इन्फेक्शन पैदा करने वाले जीवाणु को मारती है और एंटी फंगल मेडिसिन है जो स्पेशल रूप से स्किन पर उन्नति को रोकती है और आपकी स्किन इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। डर्मीफाइव क्रीम के साइड इफेक्ट। हर दवा की तरह डर्मीफाइव क्रीम के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे त्वचा का पतला होना, शरीर पर दाने पड़ना, शरीर का जलन बढ़ना। बताए गए साइड इफेक्ट कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हैं जो कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर बताए गए साइड इफेक्ट कुछ समय में ठीक ना हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और अधिक दवाइयों की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।